शहीदों की हो रही अनदेखी के चलते नाचन जन कल्याण सेवा समिति ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी संदर्भ में समिति के चेयरमैन ब्रह्मदास चौहान ने शहीदों के परिजनों और ग्रामीणों के साथ मिलकर एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान के माध्यम से राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे और मांग की कि सरकार ने जो शहीदों के नाम पर स्थानीय स्कूलों का नाम उनके नाम पर करने के अलावा मार्गों का नाम शहीदों के नाम करने और चौकों पर शहीदों के नाम की प्रतिमा लगाने के साथ साथ अन्य जो वायदे किए थे उन्हें पूरा होना चाहिए। दो दशक बीत जाने के बावजूद भी शहीदों के नाम पर एक इंच भी काम नहीं हो रहा है। समिति के चेयरमैन ब्रह्मदास चौहान का कहना है कि जिस तरह से सरकार शहीदों की अनदेखी कर रही है उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाचन और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में ही राजेश चौहान, जगदीश कुमार, श्यामलाल, गुरदास सिंह सहित कई अन्य जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उन शहीदों के नाम पर ना तो स्कूलों का नामकरण किया, ना ही किसी चौक पर इन शहीदों के नाम की प्रतिमा लगाई और ना ही इन शहीदों के नाम पर किसी मार्ग का नामांकन किया है। सरकार के द्वारा इन शहीदों के परिवारों के साथ छलावा हुआ है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांग पत्र सौंपकर सरकार से ये मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से उक्त शहीदों के नाम पर सरकार घोषणा करें और उन्हें धरातल पर भी लागू करें। बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, जैसा कि हमारे नाचन विधानसभा क्षेत्र में 4 सैनिक शहीद हुए थे, जिसके लिए उनका परिवार, उनका सदस्य और गांववासी हर रोज याद करते थे कि कब शहीदों के नाम पर सड़क बने, शहीदों के नाम पर प्रतिमा लगे, शहीदों के नाम पर स्कूल का दर्जा दे। लेकिन आज दिनांक तक 21 साल बीतने के बाद भी शहीदों के परिवारों की जो मांग है वो आज दिन तक ना प्रदेश सरकार ने ना केंद्र सरकार ने इसके ऊपर पूरी की। लेकिन आज बड़े दुख के साथ आज हम एसटीएम के माध्यम से शहीदों के परिवारों के साथ और नाचन जन कल्याण समिति के सदस्यों के साथ, गांववासी के साथ, आज हम एसटीएम सुंदरनगर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और इसी तरह रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी को और इसी तरह से प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश और इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को आज हमने एसटीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा।